सुप्रीम कोर्ट में आज 30वें दिन अयोध्या विवाद केस की सुनवाई हुई। इस दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने विवादित ढांचा के अंदर मूर्ति रखने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सन 1949 में 22-23 दिसंबर की रात जिस तरह से वहां मूर्ति रखी गई, वो हिंदू नियम के हिसाब से सही नहीं है। वकील राजीव धवन ने राम जन्मभूमि के पक्षकार गोपाल सिंह विशारद की याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया। राजीव धवन ने कहा कि गोपाल सिंह ने अपनी याचिका में भगवान राम के जन्म स्थान के बारे में नहीं बताया है और न ही दावा किया गया है कि मस्जिद के बीच में गुंबद के नीचे भगवान राम की जन्मभूमि है। राजीव धवन ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता गोपाल सिंह की मौत 1986 में हो गई है, ऐसे में उनकी याचिका का कोई औचित्य नहीं है। बता दें कि गोपाल सिंह ने विवादित राम जन्मभूमि स्थान पर कोर्ट में याचिका दायर कर पूजा करने की इजाजत देने की मांग की थी। गोपाल सिंह के मौत के बाद अब इस केस की पैरवी उनके बेटे राजेंद्र सिंह कर रहे हैं।